हेलो गाइस, होप सो आप ठीक और बढ़िया होंगे। तो आज हम जा रहे हैं वांग ताऊ जी, हो ची मिन सिटी से वांग ताऊ। वांग ताऊ एक बीच एरिया है, वहाँ पे जा रहे हैं। तो वन डे ट्रिप है हमारा, बस पे जाएंगे। तो अभी हम कुछ नाश्ता करके फिर बस में बैठ जाएंगे। तो अभी हम खा रहे हैं बैंग मिन टिन। देखो सब जैसा ही है, इसके अंदर एग फिल करेंगे। तो नाश्ते में हम ये सबवे जैसा कुछ दिखने वाला खाएंगे। मैं अभी दिखाता हूँ, इसमें एग होता है और थोड़ा सा सैलड होगा। तो इसका नाश्ता करके फिर हम बस में बैठ जाएंगे और वहाँ जाके देखते हैं क्या क्या देखने को वहाँ पे। तो चलो आज चलते हैं वांग ताऊ। तो ये देखो, ये है सबवे जैसा ही है। फाइनली हम पहुंच गए हैं वांग ताऊ। तो वांग ताऊ थोड़ा सा शांत एरिया है, जैसे कि हो ची मिन सिटी में काफ़ी रश था और काफ़ी ज़्यादा वहां शोर था। तो ये एरिया कुछ शांत है। अभी हम बीच पे जाएंगे, बस ने यहां उतारा है और यहां से आगे हमें वो बीच तक छोड़ के आएंगे। तो चलो चलते हैं अब बीच पे, वहां देखते हैं बीच का नज़ारा कैसा होता है। इसमें बैठ जाते हैं भैया। तो ये वैन हमें लेके जाएगी बीच एरिया पे। ये बीच उतना सुंदर नहीं है जितना अभी मरीसा बीच, जहाँ साफ़ सुथरा उतना नहीं है जितना अभी मरीसा में था। श्रीलंका में जब हम वहाँ गए थे तो बहुत सुंदर बीचेस थे और पानी भी बहुत साफ था, लेकिन ये उतना नहीं है। लेकिन चलो इसको देखते हैं। और ये देखो बिल्कुल ऊपर जीसस का स्टैचू है। अब जहाँ जा रहे हैं हम, और हमें जाना पड़ेगा बाय वॉक। तो चलो चलते हैं और देखते हैं वहाँ कैसा व्यू है। और यहाँ डेवलपमेंट अच्छी की हुई है इन्होंने, लेकिन टूरिस्ट बहुत कम है। आप देख सकते हो टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है यहाँ पे। है नहीं जा रहा? नहीं भाजी, एड्डी दूरों तुम मत्था टेकन आए हो, क्यों नहीं जा रहे? बीच एक्सप्लोर करन आया मैं, मत्था टेकन लो ना बाबे नु। तुसी मैनू क्या मैं मत्था टेकना? बीच तो चलो करते हैं, बीच पर भी जावे। इदां दीआं गल्लां हुण कर रहे भाजी। चलो देखते हैं को
कोशिश करते हैं ऊपर जाने की। फाइनली हम ऊपर पहुंच चुके हैं और ये सामने स्टैचू आपको दिख रहा है प्रभु जीसस का। काफ़ी हार्ड था चलो ऊपर। ये जो स्टैचू है ना, स्टैचू का जो हैंड है, इनके ऊपर जाएंगे हम पीछे से सीढ़ियों से, तो काफ़ी अच्छा व्यू आएगा वहाँ से। तो चलो देखते हैं। तो ये अंदर का व्यू है, इस स्टैचू के अंदर का व्यू। हाँ जी, कुछ भी कर सकते हैं। स्पेशली मेरे पास कि मैं आवांगा तो ऐसा किला दे तो जाके होते पहुंचा ना जी। नीचे तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर आके जो व्यू है ना वो देखने लायक है। ऐसे नहीं कहते कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसीलिए बोलते हैं। तो ऊपर आगे पता चल गया कि यहाँ कुछ दिख रहा है, यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू है। ब्यूटीफुल नेचर, ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ब्यूटीफुल लाइफ, तो ब्यूटीफुल ट्रैवलिंग। जिंदाबाद। तो काफ़ी सुंदर व्यू वहाँ से दिख रहा था सिटी का और सी का। वांगताउंग सिटी का पूरा व्यू ऊपर से बहुत ही सुंदर दिख रहा था। आप भी ऊपर जा सकते हो, बहुत ही सुंदर व्यू है। तो ऊपर आने का जो हमें लग रहा था भी हम ऊपर नहीं आ पाएंगे, गर्मी बहुत लग रही थी और काफ़ी ज़्यादा पसीना भी आ रहा था। तो चलो ऊपर आने का फ़ायदा तो हुआ कि हमें एक व्यू, अच्छा व्यू मिल गया ऊपर। और वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये अंदर अच्छा था। और अब जाए नीचे, और नीचे जाएंगे बीच पे, बीच पे जाके देखते हैं वहाँ क्या है। तो ये है वांगताउंग की बीच।
तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं होचीमिन, तो कल होचीमिन सिटी से हमारी फ्लाइट है हनोई की, तो हनोई जाके मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।